भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान आज तेज गति पकड़ चुका है। हर पोलिंग बूथ के ऊपर आज डोर टू डोर कैंपेन का काम चल रहा है। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार अब पूरी तरह से दादागिरी के ऊपर आ गई है। जिस तरह से आंगनवाड़ी वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को, पंचायत चौकीदारों को, आईपीएच के वर्कर्स को, पीडब्ल्यूडी के वर्कर्स को इकट्ठा करके डराने धमकाने का काम चला है, इस बात से पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री जी देहरा में चुनाव हारने वाले हैं। और इसी प्रकार नालागढ़ के अंदर और हमीरपुर के अंदर जिस तरह से और इंस्पेक्टरी राज, पुलिस राज चल रहा है, वो इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है। देहरा की जनता हुशियार सिंह को अपना आशीर्वाद दे रही है और ये मन बना लिया है हमें ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे लिए उपलब्ध हो, हमें ऐसा विधायक चाहिए जिसको हम अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने शहर में संपर्क कर सके, हमें ऐसा विधायक चाहिए जो लगातार हमारी सेवा के लिए उपलब्ध हो, ना कि उन्हें और ऐसा विधायक चाहिए जिसको ढूंढने में दिक्कत का सामना करना पड़े। ऐसा विधायक भी नहीं चाहिए जो वीडियो के दफ्तर, एसडीएम के दफ्तर, पीएचसी सब बंद कराने के ऊपर तुला हो, विकास को बंद कराने पर तुला हो। जनता सवाल पूछ रही है मुख्यमंत्री जी से कि उन्होंने और दो दो एसडीएम के दफ्तर अपने ससुराल के, वीडियो का दफ्तर अपने ससुराल का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपने ससुराल का क्यों बंद कराया। और आज आप यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये जनता समझ चुकी है कि केवल वोट लेने के लिए आज झूठ नीति का सहारा लिया जा रहा है। और ये झूठ नीति का प्रयोग मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने 2022 में किया, फिर 2024 में किया। 2024 में पार्लियामेंट के चुनाव में उनकी झूठ नीति फेल हो गई और चार की चार सीटें कांग्रेस पार्टी हारी, बीजेपी जीती। उसी तरह ये तीन उपचुनाव नालागढ़, हमीरपुर और देहरा भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है।